हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। मेरा जो वेट है ना, बड़े लंबे समय से 63, 64, 65 मैक्स रहता था, 63, 64, 65 मैक्स रहता था। सो मैंने दिवाली पे ना खूब अच्छे से खाया, खूब अच्छे से, बिकॉज यू नो आई एम अ बिग फूडी पर्सन। मैंने बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना खाना ना, और मैं इस फील्ड में हूँ। सो मैंने अपना वेट जो है वो 99 से 65 तक तो बड़ा आसानी से कर लिया था, फिर 63 भी कर लिया था, फिर 60 भी कर लिया था, बट बड़े लंबे समय से ये 63 पे घूम रहा था। और दिवाली के बाद तो ये पंप एकदम पहुंच गया था 65.7 और 8 आई थिंक। हाँ, सो लास्ट वीक ना मेरा वेट इजीली पहुंच गया था 58 तक, 58 पॉइंट समथिंग। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। मेरे को लगा मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट प्रॉब्लम इज कि फिर से मेरे को थोड़े बहुत स्ट्रेस आया, नींद पूरी नहीं हुई, बॉडी में स्वेलिंग हो गई। तो आज का जो सुबह मेरा वेट था वो 59 पॉइंट समथिंग था, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने ये जो जर्नी है 3-4 महीनों की, इसमें ऐसा क्या क्या खाया और कैसे मेरी ये जर्नी चली कि मुझे इतना लंबा समय रह गया। टोटल अगर मैं बताऊँ, मेरे सारे गैप्स को कट करके मैंने डाइट जो प्रॉपर की है 45-50 डेज की है, जिसके अंदर मेरा ये 7 kgs के अप्रॉक्सीमेटली वेट गया है। नाउ पॉइंट इज कि मैंने इसमें क्या क्या खाया, कैसे कैसे मैनेज करा। मेरे ना क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे मैं उस चीज़ को जवाब देना चाहूँगी। मेरे अपने क्लाइंट्स भी हैं, मेरे आप लोग भी हो जो इस सिचुएशन से गुजरते हो कि यार इतना लंबा कैसे। मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुआ था जब मैं इस जर्नी पे थी अपनी वेट लॉस। मेरे को काम की वजह से नींद का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तीसरा, मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था बीच में फिर से बिकॉज ऑफ माय मदर हेल्थ। फोर्थ, मुझे न्यू ईयर के आसपास बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने पड़ गए थे। नेक्स्ट, मेरी मदर की तबीयत बिल्कुल फिर से डाउन हो गई थी, उनके लिवर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैं दिन रात सुबह शाम हॉस्पिटल्स में रश कर रही थी बिकॉज मैं उन्हें मेडिसिन और नहीं देना चाहती थी। नेक्स्ट, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें मेरी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चली थी। नेक्स्ट, मुझे फीवर रहा था 2 वीक्स लगातार मेरा ट्रैवल के बाद, और मैं 2 वीक्स तक बिल्कुल बेड रिटन थी, बस मैं लैपटॉप लेके काम कर रही थी। उस वजह से मेरी यूट्यूब वीडियोज़ भी काफ़ी लेट आई थी। बट गिरेंगे उठेंगे। अब बाकी लोग होते हो, आप लोग कहते हो कि यार मैं तो जब जर्नी चालू करती हूँ मेरे साथ तो स्यापे हो जाते हैं, मेरे साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। नो, कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि आप थोड़ा गिर गए हो, आपको दोबारा उठना है, फिर गिर गए हो, आपको दोबारा उठना है। जब मैंने अपना जर्नी चालू करा था मेरा फेस ये था, गुब्बारा, गोल गोल गप्पा। अब मेरा फेस ठीक है, पतला दिख रहा है और स्लीक फेस हो गया है, और मेरा वाटर रिटेंशन ख़त्म हो गया है। एंड अनदर पार्ट यहाँ पे सबसे अच्छी क्या है कि मैं बहुत फिट फील करती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक फील करती हूँ। बट ऐसी ये जो मैंने जर्नी पकड़ी है, इसमें मैंने क्या किया था कि जिसकी हेल्प से मेरी चीज़ें बैलेंस होती गई हैं, मैं ना सॉल्ट का इंटेक सबसे पहले कम कर देती हूँ। सबसे बेसिक चीज़ मैं उठाती हूँ कि मैं सॉल्ट का इंटेक कम कर देती हूँ। सो मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक रहता था, मैक्सिमम टाइम जीरा और अजवाइन का पानी लेती थी या फिर लेमन ग्रास टी। जीरा, अजवाइन या लेमन ग्रास टी मैं एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में लेती थी, चाहे मैं बीमार भी हूँ तब भी मैं लेमन ग्रास टी हटा देती थी, बट मॉर्निंग में मैं जीरा एंड अजवाइन का पानी एवरी डे लेती थी। उठने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा ब्रेकफास्ट 9:30 बजे तक मैं ख़त्म कर लेती थी। बीट मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, डजेंट मैटर, मेरा ब्रेकफास्ट सुबह 9:30 बजे तक मैं ख़त्म कर देती थी। ब्रेकफास्ट के अंदर आई लव इडली सांभर परांठा, मेरा अंडा ब्रेड, जब भी मैं अंडा ब्रेड खाती थी, जैसे अंडे के योग भी मैं खाती थी और ब्रेड के साथ, और खूब सारा ड्राई फ्रूट एवरी डे इन द मॉर्निंग में लेती थी सोक किया हुआ। मैं कोशिश करती थी अंडा ब्रेड वाले दिन मैं सॉल्ट ना लूँ, मैं पूरे पूरे दिन सॉल्ट नहीं लेती थी। ऐसा मैं 2 दिन भी कर लेती थी, वीक में 2 दिन तो मैं बिल्कुल 0 सॉल्ट पे रहती थी, मैं लेती ही नहीं थी जब जब मैं डाइट करती थी। उसके अलावा मुझे सुबह के ना परांठे बहुत पसंद है, मैं मतलब डाई हार्ट पंजाबी हूँ, और मुझे स्टफ़ परांठे जो विंटर्स के हमारे मक्की का परांठा चलता है, पालक का परांठा, मेथी का परांठा, ये जो वेराइटीज ऑफ परांठेज है ये मैं खाती थी और रज के खाती थी, मतलब अच्छे से ही खाती थी कि मुझे परांठा मिल जाए बढ़िया सा, मैं खा लूँ परांठा अपना ना। एवरी डे मॉर्निंग मेरा परांठा रहता था, इडली सांभर अंडा ब्रेड, यही मेरा एक स्टेपल ब्रेकफास्ट है जो मैं खाती थी। ब्रेकफास्ट के खत्म होने के ठीक 9:30 बजे, जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट ओवर है, 10:30 से 11 बजे के बीच में मैं एवरी डे अपना रेड जूस लेती थी। एवरी सिंगल डे मेरा रेड जूस जाता था, 1 बीटरूट, 1 अनार, 3 से 4 गाजरें, इन सब का मैं जूसर में जूस निकाल के आंवला डाल के बढ़िया से 1 गिलास पीती थी। धूप में हूँ, अंदर हूँ, चाहे मैं डाइट कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, उसकी हेल्प से ना मेरी जो स्किन है आप देखो, और मेरे जो बाल हैं, मेरे बालों का एक ट्रांसफॉर्मेशन की मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ, मेरे बाल
इतना ज़्यादा झड़ा है, इतना ज़्यादा झड़ा है स्ट्रेस से, इतना ज़्यादा झड़ा है, एंड टच वुड अब मेरे बाल का ज़ीरो हेयर फॉल है और मेरे बाल जो है वो रीग्रो हो गए हैं, हर जगह से मेरे बाल जो है वो रीग्रोथ हो रहे हैं। अदरवाइज़ मेरी प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे स्कैल्प्स भी दिखते थे, बट अब टच वुड मेरे बाल काफ़ी हद तक बेहतर है क्योंकि मैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और मेरा रेड जूस ने मुझे बहुत हेल्प करा है। नेक्स्ट बात आती है लंच में। लंच को ना मैं सैलेड्स में रखती थी, बिल्कुल सैलेड, कभी कभार मैं दाल की सैलेड ले लेती थी, कभी कभार मैं मेथी और दाल ले लेती थी, कभी कभार मैं पेठे की सब्ज़ी बना लेती थी, कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि चलो यार कॉर्न्स आए हुए हैं, गाजर है, मैंने वीडियो भी शूट कर लिया, चलो यही मेरा लंच हो गया। कभी मैं चिया पुडिंग भी खा लेती थी, कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था बीच बीच में, मैंने अपना बाजरे की खिचड़ी भी खाई है दही के साथ, खूब सारी अच्छे से मिक्स मैच करके। एंड उसके अलावा अगर मैं उसके बाद लंच करने के बाद बाहर गई हूँ और मैं घर वापस आई हूँ, देन मैं प्रेफर करती थी मेरी चाय, या तो मुझे आलमंड मिल्क वाली चाय मिल जाए या आलमंड मिल्क की कॉफ़ी मिल जाए, साथ में 3 से 4 अखरोट मिल जाए, मेरा काम चल जाता था। नहीं तो शाम को मैं क्या करती थी, कभी कभार लेमन ग्रास टी ले ली, या फिर कभी कभार मेरी स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज की जो मैंने टी अभी डाली है वो ले ली, वो पिछले मैं ले रही हूँ 1-1.5 हफ्ते से। और उसके अलावा भी कभी कभार मैं या तो कुछ भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं, लेट आए सीधा अपना डिनर कर लिया। सो डिनर मैं 6:30-7 बजे से ज़्यादा डिले कभी नहीं करती थी, मैं क्लियर सूप लेती थी बेड पर बैठ कर ही। मेरा 90% जो डिनर होता था वो सूप्स में जाता था, या फिर मैं आलमंड मिल्क के शीरे बना लेती थी, सूजी का शीरा या फिर सूप, मैं सूप पे ही डिपेंड करती थी। अगर मैं बाहर भी हूँ तब भी आई प्रेफर कि यार मुझे सूप ही मिल जाए। कभी कभार मैं खरोड़ों का सूप पी लेती थी, चिकन सूप पी लिया, फ़िश का पूरा जो जिसमें फ़िश बॉयल होते हैं वो वाला वाटर पी लिया, वो वाला सूप पी लिया बाहर से। नहीं तो घर में भी मैं सिर्फ सूप ही प्रेफर करती थी, मुझे 90% सूप चाहिए विंटर्स के अंदर डिनर के अंदर। सोने से पहले का ड्रिंक मेरा एसेट सिर्फ त्रिफला पाउडर रहता था, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आधे कप पानी में मिक्स करके मैं एवरी डे ले लेती थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा फील होता था। नेक्स्ट बात आती है पानी की। पानी में लेती हूँ कम से कम 3-4 लीटर्स और उससे मेरे को हेल्प मिलता है। अब ये बात आती है कि मान लो कि मुझे रात को काम करना है 3:30 बजे तक और मैं 6:30-7 बजे तक अपना डिनर कर लेती थी, बीच बीच में अगर मुझे भूख लगती थी मेरे पास होता था पपीता, मैं 12 बजे थोड़ा सा 3-4 स्लाइस पपीता खा लिया, या फिर मैंने रात को 1 कीवी खा ली, या फिर रात को मैंने 2-3 स्लाइसेस पाइन एप्पल्स के मुँह में डाल लिए, या फिर थोड़ा सा मखाना डाल लिया। इसके अलावा मेरे पास और कुछ स्नैकिंग नहीं होता था। मैंने जब अपना जर्नी चालू किया था, दो मैं अभी भी अपनी उस जर्नी पे हूँ, मेरा टारगेट वेट है 55, मेरे को लगता है 3-4 महीनों में तो मैं इसको कवर कर लूँगी जिस हिसाब से मैं धक्के खा खा के चीज़ें चला रही हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ों की है। बट यहाँ पे क्या आता है कि मैंने चीज़ें करी हैं और मैं चीज़ें आगे करूँगी। ये वीडियो यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि आप लोग भी करो, आगे चलो। अब जैसे मेरा ये जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि मेरे को सॉल्ट कम लेने की आदत है, मेरे को अगर आप तेज़ नमक वाली चीज़ें दोगे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करेगी मेरी बॉडी ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समटाइम्स आई फील लाइक प्यूकेशन वॉमिट। पॉइंट इज सुबह का नाश्ता टाइम पे, रात का डिनर टाइम पे और बीच बीच में मील स्किप ना करना, ये मेरा एक लाइफस्टाइल है, आपको भी ये लेना चाहिए, आपको भी ये ऑप्ट करना चाहिए और वेट ऐसे ही गिरता है। रोटी छोड़ के फास्टिंग करने से वज़न नहीं गिरेगा, छोटे छोटे मील्स सही सही टाइमों पे लेने से ही वज़न गिरता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड आपको समझ आया कि किस किस तरीके से मैं अपना वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। वैलेंटाइंस आ रहा है यार, मजाक थोड़ी ना है, कुछ प्लान है आपका वैलेंटाइंस का, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना नीचे। मेरा भी, मैं तो पूछ ऐसे रही हूँ जैसे मेरे बड़े प्लान है, खैर मेरे भी कोई प्लान नहीं है। आपको हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की एक पक्की रील चाहिए, बिकॉज भयानक पिक्चर्स है मेरे बालों की जब मैंने इसकी जर्नी चालू करी थी, और अभी तो टचवुड मालिक ने बहुत भला कर रखा है, चीज़ें बढ़िया हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों का मैसिव हेयर फॉल हो रहा है, देन मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा संडे को, और वो वीडियो के लिए रेडी रहना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ ऑन संडे को। सो टेक केयर जी, एंड आई रियली लव यू ऑल सो सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज हेयर फॉर मी। इट्स बीइंग लाइक 7 ईयर्स आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल यार, थैंक यू सो सो मच, एंड आई रियली लव यू ऑल।